हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ राहिद एंड वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस एंड वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सेशन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है कि मोहम्मद बारकिंडो जो हैं, जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 63 ईयर्स, वो क्या थे? ठीक है, वो थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओपेक ऑयल कार्टल। आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बारकिंडो जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो क्या थे? वो थे सेक्रेटरी जनरल किस चीज़ के? ओपेक ऑयल कार्टल के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बारकिंडो जो है उन्होंने ओपेक को हेडिट किया था, मतलब ओपेक के वो हेड थे कब से? 2016 से। और उन्होंने शेड्यूल, उनका जो रिप्लेसमेंट था वो था कि कुवैत के जो हाइतम अल गैस हैं वो नेक्स्ट मंथ में क्या करने वाले थे? सेक्रेटरी जनरल बनने वाले थे। उससे पहले ही जो है इनकी डेथ हो गई है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओपेक की, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसे यही ओपेक है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितनी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं? 13 कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। ये फोंड कब हुआ था? ये 14 सितंबर 1960 को बना था बगदाद में, और तब इसके कितने मेम्बर्स थे? तब इसके पहले 5 मेम्बर्स थे। लेकिन उसके बाद 1965 पे जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ बना? वीना, ऑस्ट्रिया में बना। और अभी तक एट प्रेजेंट भी इसका जो हेडक्वार्टर है ओपेक का वो कहाँ पे है? वीना, ऑस्ट्रिया में है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि हेडक्वार्टर पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है फोर्स कमांडर ऑफ UNMISS। पहली चीज़ यहाँ पे UNMISS क्या है? UNMISS जो हमारे पास रहता है, ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उससे पहले आप ये देख लें कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने अपॉइंट किया है इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को एज अ फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। ठीक है, ये रहता है हमारे पास UNMISS, क्या? यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान। ये जो हमारे पास अभी लेटेस्ट बने हैं मोहन सुब्रमण्यन, इन्होंने किसको सक्सीड किया? इससे पहले कौन थे वहाँ के सेक्रेटरी जनरल? पहले थे यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर, वो भी कहाँ के थे? इंडिया के थे। प्रेजेंटली जो है मोहन सुब्रमण्यन जो है वो क्या कर रहे हैं? सर्विंग एज द कमांडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के वो क्या है? प्रेजिडेंट है। इंडियन आर्मी इज़ एक्टिव इन UN मिशन। इन इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो वो UN मिशन में कहाँ कहाँ पे एक्टिव हैं? कॉन्गो में, लेबनान में, साउथ सूडान में, गोलान में, उसके बाद सीरिया में, वेस्टर्न सहारा में और साइप्रस में। ठीक है, यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो है एक्टिव हमारे UN के मिशन में। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर की, तो वो कब रहता है? वो रहता है हमारा 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर। ये भी आप याद रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुरंजन दास जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो किसे अपॉइंट किया गया है? वो अपॉइंट किया गया है सुरंजन दास को। सुरंजन दास जो हैं वो वाइस चांसलर रह चुके हैं जाधवपुर यूनिवर्सिटी के। सुरंजन दास जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। उनका ये 1 ईयर का टेन्यूर रहेगा प्रेसिडेंट का। और वो कब से स्टार्ट होने जा रहा है? वो स्टार्ट हुआ है हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अर्लियर अगर इससे पहले की बात करें तो वो इससे पहले प्रोफेसर रह चुके हैं हिस्ट्री के, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। और उन्होंने एज अ वाइस चांसलर भी सर्व किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में फॉर द पीरियड बिटवीन 2008 से 2015 के बीच में वो क्या रहे हैं? वाइस चांसलर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। और ये कब बना एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़? तो ये बना है 1925 में एज अ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तब जो था तब क्या बना था? ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से बना था, जिसे आज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो वो देने जा रही है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। और वो जो 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने जा रही है हर एक हाउस होल्ड को देने जा रही है, कब से? जुलाई 1 से। पंजाब की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे सारे हाउस होल्ड को।
उनकी स्टेट में कब से, जुलाई 1 से। द अनाउंसमेंट वॉज वेड, ये अनाउंसमेंट जो है वो एक वीडियो मैसेज के थ्रू दिया जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान जी, उन्होंने ये मैसेज जो है वो वीडियो मैसेजेस के दौरान दिया है। यहाँ पे भगवत मान ने कहा है कि बैकवर्ड कास्ट और बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे BPL बोला जाता है, ऐसे घरों में भी जो है, और उसके साथ साथ जो फ्रीडम फाइटर्स के घर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए लड़ा है, उन्हें भी क्या दिया जाएगा, सेम 300 फ्री यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती थी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो प्रोवाइड करती है 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल होस्ट होल्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, आप जानते हैं केजरीवाल वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो भी क्या प्रोवाइड करते हैं, 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बट पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जहाँ पे भगवत मान है वो भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो एक न्यू इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंडिया का पहला फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल जो है ये प्रॉमिस किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2018 के असेंबली इलेक्शन में, जो उनका मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था कि हम क्या करेंगे, राइट टू हेल्थ बिल जो है ये लाएंगे। बट अब उन्होंने ये बिल जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी इस बिल को क्या करने जा रही है, इंडिया का पहला हेल्थ, राइट टू हेल्थ बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो मकसद रहेगा, एम रहेगा राइट टू हेल्थ बिल का, वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है कि वो क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर हम प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें, हर जगह पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लोगों को क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या प्रिपेयर किया था, एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया था जिसमें क्या था कि राइट ऑफ पेशेंट्स, अटेंडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उनको भी क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, अशोक गहलोत हैं। रिसेंटली जो है चीफ मिनिस्टर ने 117 करोड़ जो है वो अप्रूव किया था, किस चीज़ के लिए, एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ इन महिला चिकित्सालय, ठीक है, मतलब कि वुमेन्स हॉस्पिटल, जिसे क्या बोला जाता है, महिला चिकित्सालय बोला जाता है। कहाँ पे उन्होंने ये अप्रूव किया, ये उन्होंने अप्रूव किया ये वुमेन हॉस्पिटल कहाँ पे, संगानेरी गेट इन जयपुर, ठीक है, जयपुर में एक जगह है संगानेरी गेट, वहाँ पे उन्होंने ये अप्रूव किया है। इसके साथ साथ स्टेट ने क्या कहा है, उन्होंने इंश्योर किया है कि हेल्थ सिक्योरिटी जो है हर एक फैमिली को प्रोवाइड की जाएगी। कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 10 लाख थ्रू मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, योजना उन्होंने बनाई है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके साथ साथ एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख। जो भी इस, जो मैंने अभी आपको योजना बताई, इस स्कीम में जितनी भी फैमिली रजिस्टर होंगी उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी जो है अप टू 5 लाख क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिल्ली जो है वो होस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023, ठीक है। दिल्ली क्या होस्ट करने जा रहा है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल होस्ट करने जा रहा है कब, 2023 में। तो आपने देखा होगा इससे पहले जो है ऐसा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ पे हुआ करता था, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल हुआ करता था। तो दिल्ली जो है वो उसका अपना वर्जन ला रहा है, जो कि कब स्टार्ट होने जा रहा है, 2023 में स्टार्ट होने जा रहा है। इस शॉपिंग फेस्टिवल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मंथ लॉन्ग जो है वो चलने वाला है, मतलब लगभग एक महीने ये चलेगा। फेस्टिवल जो है कब से स्टार्ट होने जा रहा है, फेस्टिवल स्टार्ट होगा ये 28 जनवरी से, और कब एंड होगा, ये एंड होगा 26 फरवरी को नेक्स्ट ईयर, जो मैंने आपको बताया 2023 में। अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो इसमें स्पेशल ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी की जाएगी, जिसमें लगभग 200 कॉन्सर्ट्स भी किए जाएंगे, और एंटरटेनर्स भी बुलाए जाएंगे यहाँ पे, और बहुत सारे विजिटर्स को भी बुलाया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल फूड वॉक भी रहेगा, और उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे दिल्ली के जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, नेशनल रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली के, उनका फूड भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि दिल्ली की जो इकॉनमी है
उससे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, साथ में दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो भी क्या होगी, इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो हरियाली महोत्सव कब, 8 जुलाई 2022 कहाँ पे, तलकोतरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसका जो एम रहने वाला वो ये रहने वाला है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन लाइफ। ठीक है, इसे क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो इसका एम क्या रहेगा, इसका एम रहेगा कि वो क्या क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, लोगों को बताएंगे कि ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है एक इंसान की ज़िंदगी में। ये जो हरियाली महोत्सव की मैंने बात की अभी, तो ये हरियाली महोत्सव जो है कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली में कल मनाया गया 8 जुलाई को। तो आज तो आपको पता है 9 जुलाई है, तो कल के दिन में जो है ये सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, जो तलकोतरा स्टेडियम है न्यू दिल्ली में वहाँ पे। इसका एम मकसद मैंने आपको बताया, मकसद ये बताया कि लोगों को ये अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि उन्हें बताना है कि आपकी ज़िंदगी में जो ट्रीज़ हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हो ट्रीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो मैंने आपको फ्लोरा एंड फौना वाले टॉपिक में आपको बहुत सारी ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस बताई थी। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें इसी फंक्शन की, तो ये जो फंक्शन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के और वहाँ के पुलिस इंस्टीट्यूशंस जो हैं और स्कूल जो हैं दिल्ली के, उनके साथ मिल के क्या किया, एक प्लांटेशन ड्राइव भी वहाँ पर चलाई थी। अगर हम बात करें वहाँ की यूनियन मिनिस्टर की, तो कौन है वहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, वो हैं भूपेंद्र यादव। और साथ ही में जब यहाँ पे हम ट्रीज़ की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानना जो इम्पॉर्टेंट रह जाता है वो ये कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो असम की गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। असम की जो कैबिनेट है उन्होंने ट्यूसडे को क्या अप्रूव किया है, उन्होंने अप्रूव किया है कि 5 असामीज मुस्लिम सब ग्रुप्स जैसे कि गोरियाज हो गए, मोरियाज हो गए, झोलाज हो गए, देसीज हो गए या फिर सैद हो गए, उन्हें अप्रूव किया है एज द इंडिजीनियस असामीज मुस्लिम कम्युनिटीज़। असम का जो कैबिनेट है उन्होंने और भी डिसीजन लिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स का डिसीजन लिया है, एग्जम्पशन ऑफ एक्स सर्विस मैंस का, और उसके साथ साथ देयर विडो फ्रॉम पेइंग टैक्स, और उनकी जो विडोज़ होती हैं, विधवा होती हैं, कहा गया है कि उनसे भी जो टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। साथ ही में उन्होंने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा, और इसका जो एम है वो ये है कि 1,200 मेगावाट का क्या करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर। उसके साथ साथ इस मीटिंग में उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो 1 टाइम स्कॉलरशिप ऑफ 16,000 रुपीज़ जो है वो हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जो स्टेट की क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 1st डिवीज़न में पास करेंगे। तो अगर आसाम से ये वीडियो कोई देख रहा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप जो अपनी 10th क्लास में बहुत अच्छे से मेहनत करें, तो अगर आप 10th में 1st डिवीज़न लेते हैं तो आपको 16,000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चन की बात करें, इंडिया के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर पी गोपीनाथन नायर जो हैं उनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ये जो फ्रीडम फाइटर थे इनकी डेथ 99 ईयर्स की एज में हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनके रिलेटेड आप याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुई थी उसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ नॉन वायलेंस भी इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे, पहली चीज़ पी गोपीनाथन नायर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, वो क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, 1942 में हुई थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहाँ कहाँ सर्व किया है, वो चेयरमैन रह चुके हैं किस चीज़ के, केरला महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के, जिसे मैनेज कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट मैनेज करता है। उसके साथ साथ इन्हें पद्मश्री भी मिला था, कब, 2016 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। इसके साथ और भी जो इनकी इम्पोर्टेंस इनके बारे में जो आप याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे, भूदन और ग्रामदन मूवमेंट में भी इन्होंने क्या किया है,
पार्टिसिपेट किया है, जिन मूवमेंट्स को हेड कौन हेड किसने किया था, विनोबा भावे ने हेड किया था। तो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए कि ये इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 3 डे अखिल भारतीय शिक्षा समागम, कहाँ पे? वाराणसी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट अ 3 डे अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी ऑन थर्सडे। इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? इसे ऑर्गेनाइज करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलके और साथ ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इस फंक्शन को क्या करवाया है? ऑर्गेनाइज करवाया है। द समिट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लीडिंग इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो समिट है ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं किस चीज़ के लिए? डिस्कस करने के लिए, डेलिब्रेट और शेयर इनसाइट ऑन स्ट्रेटजीज़, वो ताकि वो क्या कर सकें? स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर सकें, सक्सेस स्टोरीज़ को डिस्कस कर सकें और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाई जा सकें। किस चीज़ में? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की गई थी उन्हें क्या किया जाए? इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। तो रिसेंटली क्या है, ग्लोबल रैंकिंग सर्विसेज ऑफ सुपर कंप्यूटर जो उन्होंने टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग निकाली है, उसमें इंडिया के जो हैं 3 टॉप रैंक्ड सुपर कंप्यूटर हैं 500 की रैंकिंग में। लेकिन अगर हम बात करें टॉप 100 रैंकिंग में, तो इंडिया का टॉप 100 रैंकिंग में कोई भी सुपर कंप्यूटर यहाँ पे नहीं आया है। अगर हम टॉप 500 की बात करें तो टॉप 500 में जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर यहाँ पे हैं वो हैं परम सिद्धि, जिसकी स्पीड कितनी है, 5.27 पी फ्लॉप है यहाँ पे। और अगर हम परम गंगा की बात करें तो 1.66 पी फ्लॉप। और अगर हम यहाँ पे प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में जो यूज़ होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे 2020 की, तो 2020 में जो टॉप 100 में थे इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर थे, बट आज टॉप 500 में तो 3 हैं, बट टॉप 100 में कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं, चाइना और यूएस जो है उन्होंने 2/3 जो है टॉप 500 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से 2/3 जो है वो सिर्फ चाइना और यूएस के सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड की टॉप 500 रैंकिंग में आए हैं। अगर यहाँ पे फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है बना है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। ये मैंने रिसेंटली आपको एक करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर वाले टॉपिक में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। फ्रंटियर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में, जो कि ऑफर करता है बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस ऑफ 1685 पी फ्लॉप, 1685 पी फ्लॉप की स्पीड ये ऑफर करता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे तो हाई स्पीड कंप्यूटेशन में काम आता है। जैसे कि मई 2020 में बात करें तो IBM समिट सुपर कंप्यूटर जो था उन्होंने हेल्प किया था रिसर्चर्स को किस चीज़ को फाइंड करने में, ड्रग कंपाउंड को फाइंड करने में, और ताकि वो क्या कर सकें, COVID-19 वायरस को जो है वो रोक सकें। ठीक है, इन्फेक्शंस को क्या कर सकें, रोक सकें सिर्फ 2 से 3 दिन में। इसमें भी किसने हेल्प किया था? सुपर कंप्यूटर, जिसे क्या बोला जाता है, IBM समिट सुपर कंप्यूटर जो था उसने हेल्प किया था। अगर कुछ दूसरे एरियाज़ की बात करें जहाँ पे सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है हमारा केमिस्ट्री फॉर्मुलेशन की चाहे बात कर लो, प्रोटीन फोल्डिंग की बात कर लेते हैं हम, बायोमेडिसिन की बात करेंगे हम, स्पेस की बात कर लेते हैं, चाहे हमें सैटेलाइट रिप्लेसमेंट सैटेलाइट प्लेस करना पड़े उसमें भी क्या हेल्प करता है हमें, सुपर कंप्यूटर ही हेल्प करते हैं। और क्लाइमेट रिसर्च की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे उसमें भी कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी सुपर कंप्यूटर की। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने बिगनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहाँ पे आपको सारे की सारी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको कल इवनिंग में प्रोवाइड सॉरी आज की इवनिंग में ही प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इंजॉय करें और बहुत सारी नॉलेज गेन भी करें। थैंक यू सो मच।